मनोज जी से, जो कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है। और सबसे पहला एकदम बेसिक सा सवाल सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने कंट्रोल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया, इस पूरी कवायद की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले 1952 में अपना ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च करा। तो दुनिया में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण की, स्थिरीकरण की चिंता करने वाला देश आज दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री हो गया है। हमारी जितनी जनसंख्या है, क्या उसके हिसाब से हमारे संसाधन अवेलेबल हैं हमारे देश में? हम विभिन्न देशों से इसकी तुलना भी करते हैं, हमारे विश्व की लगभग 20% आबादी हमारे देश में रहती है, जबकि पीने योग्य जल हमारे पास विश्व का सिर्फ 4% है। तो सीमित होते संसाधन और हमारा लाइफस्टाइल इस असीमित जनसंख्या के कारण कितना बढ़ गया है, बदल गया है कि आप देखें कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीने के लिए 3 चीजों की उसे आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए। उसे शुद्ध पानी चाहिए पीने के लिए, हमारे देश में पीने योग्य जल नहीं है, वो प्रदूषित है। उसे सांस लेने के लिए हवा चाहिए, और आज के समय में शुद्ध हवा मिलना दूभर है। हम दिल्ली NCR में हैं और आपको पता है कि प्रदूषण के क्या मानक के हिसाब से हम दुनिया में किस स्थिति में हैं। खाने के लिए हमें भोजन चाहिए, अधिक जनसंख्या है, कृषि प्रधान देश होते हुए भी आज हम ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं, फिर से जैविक खेती की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खाने योग्य जो भोजन है वो अडल्ट्रेटेड है। हमारे यहाँ बच्चों को पीने वाला जो दूध होता है वो भी सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से more than 70% हमारे देश में अडल्ट्रेटेड है। तो हम क्या हैं? हम आज की डेट में लेबर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम आज की डेट में कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम आज की डेट में पॉल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब कोई व्यक्ति अपने संसाधनों के हिसाब से फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन करता है, उतने बच्चों को जन्म देता है, उतना परिवार का साइज रखना चाहता है जिसको वो अच्छे से परवरिश कर सके, तो देश का फैमिली साइज इस देश के संसाधनों के हिसाब से क्यों नहीं डिसाइड होना चाहिए, जिससे हमारे देश के नागरिकों को और आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य मिल सके। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एक छोटी चर्चा इसमें एक नत्थी कर दी जाती है, उसमें बांध दिया जाता है बार बार। चर्चा ये कि साहब फैमिली प्लानिंग की जरूरत शायद एक वर्ग को है, समाज के खास हिस्से को है, इस पर क्या सोचते हैं सर आप, क्योंकि ये बहस लंबे समय से चली आ रही है। देखिए, हमारे पास ऑफिशियल डेटा हमारी पॉपुलेशन का जो लेटेस्ट है वो 2011 का सर्वे है जी, जो सेंसस है हमारा 2011 का। वो सेंसस की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में 2011 में लगभग 34 करोड़ मैरिड विमेन थी, विवाहित महिलाएं। उनमें से लगभग 15 करोड़ से अधिक महिलाएं वो थी जिनके 3 या उनसे ज्यादा बच्चे थे, और लगभग 18 करोड़ महिलाएं ऐसी थीं जिनके 2 या उनसे कम बच्चे थे। तो आप मुझे बताइए, वो 15 करोड़ विवाहित महिलाएं जिनके 3 या उससे अधिक बच्चे थे, वो क्या किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी कास्ट के थे? आप ओवरऑल पॉपुलेशन के अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी वाइज भी डिवाइड करेंगे तब भी इतनी महिलाएं नहीं हैं जो उस समय विवाहित होंगी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के तौर पे इस मुद्दे को लेते हैं हमारे राजनीतिक दल, जिसकी वजह से वास्तव में इस मुद्दे की जितनी चिंता होनी चाहिए थी, आप देखिए 1983 से लेकर आज तक 40 से अधिक सांसदों ने, विभिन्न दलों के सांसदों ने प्राइवेट मेंबर बिल फाइल करे हैं जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं, उन पर चर्चा नहीं। 1992 में 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इसी मुद्दे पर लेकर आया गया, पीवी नरसिंह राव सरकार के द्वारा,
उस पर बहस नहीं, चर्चा नहीं, जबकि सरकार लेकर आ रही है राज्यसभा। तो हमें, क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है और इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये मुद्दा हमेशा अछूता रहा है। अब देश के लोगों ने, देश के लोग जागरूक हो गए हैं, युवा जागरूक हो गए हैं, क्योंकि ये युवा देश है तो उन्हें पता है कि हमें कैसा भविष्य जीना है और हमें कितने संसाधनों के साथ जीना है। मनु जी, बात वहीं पे आ गई कि सब कुछ तो बिना कानून के अचीव ही किया जा रहा है। जनसंख्या, देश की जनसंख्या कंट्रोल में है, कई सारे सर्वेज NHS 5 ही है कि डिप देखा गया है, तो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जरूरत कितनी है? क्योंकि अभी जैसा सौम्या जी ने बताया कि कानून से ज्यादा जरूरत है कि सही तरीके से रिफ्लेक्ट करके चीजों को दिखाया जाए लोगों को। रिफ्लेक्शन उनकी उनकी जबान में होना चाहिए, उनके संस्कृति में, उनके रहन सहन में थोड़ा सा और दिखना चाहिए। तो सर, कानून की जरूरत कहां बचती है तब? देखिए, बात आंकड़ों की हो रही है, आपने NHFS सर्वे की बात की जी। पहली चीज तो ये सब सैंपल सर्वे है, ठीक है? आपके पास, मैंने इसीलिए सबसे पहले बोला था कि आपके पास लेटेस्ट डेटा कौन सा है, वो 2011 का सेंसस है। अब आपके पास नया डेटा कौन सा आएगा, जो 2021 में सेंसस होना था, जो कि कोविड की वजह सरकार ने कहा कि हम आगे करेंगे। तो जब वो आएगा तब आपके पास रियल टाइम डेटा आएगा। 11 मई 2000 को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एक बच्ची का जन्म होता है, वो देश की 100 करोड़वीं बच्ची बताई जाती है, ये भारत सरकार अनाउंस करती है। 2001 का सेंसस होता है, देश की आबादी 102 करोड़ के लगभग बताई जाती है। तब से लेकर 2000 से लेकर और आज तक, आज जो भारत की जनसंख्या बताई जा रही है उसके हिसाब से हमारा एनुअल इंक्रीज पॉपुलेशन का कितना हुआ, लगभग 2 करोड़ per annum आज के पॉपुलेशन बेस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है, और लगभग अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 88 से 90 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो हमारा एनुअल इंक्रीज आज की पॉपुलेशन बेस के हिसाब से 1.60 करोड़ एनुअली होना चाहिए था, जो कि अगर आप, जबकि 2000-2001 में तो पॉपुलेशन बेस हमारा कम था, तो उस समय एनुअल इंक्रीज भी कम हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद हम 2 करोड़ per annum के हिसाब से बढ़े हैं। इसका मतलब हमारे डेटा में, डेटा कलेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और 2017 में आप अगर चाइना की रिपोर्ट को देखें तो 2017 में ही चाइना ने बोल दिया था कि दैट वी आर नॉट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया हमें ओवरटेक कर चुका है। और अगर आप रिसेंटली देखें तो आप वेबसाइट पे जाइए भारत के आधार कार्ड की, वहां पर उन्होंने कैटेगरी वाइज, एज ग्रुप वाइज, वहां पे स्टेट वाइज अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करा हुआ है कि कितनी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के किस किस स्टेट में, किस किस एज ग्रुप में कितने आधार कार्ड बनने थे। जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन वहां पर दिखाई गई, वहां पे 7-8 स्टेट्स ऐसे हैं जो उसे ओवर अचीव कर चुके हैं, मतलब अगर 100 के बनने थे तो 120 बन चुके हैं, और जितने पेंडिंग हैं, अभी बनने बाकी हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट हमने पब्लिश की थी, आप देखिएगा, उसके हिसाब से हमारे देश की आबादी कम से कम 145 करोड़ मिनिमम आज की डेट में है। यह भी सरकारी आंकड़ा है, इसकी कोई बात नहीं करेगा, जो एग्जैक्ट डेटा है। आधार कार्ड तो डुप्लीकेट नहीं बन सकते। तो सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़े को उठाकर और आप इस बहस के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखिए कि भारत में आज के समय में लगभग 90 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो 35 वर्ष से कम आयु की है, वो आगे चल के बच्चों को जन्म देंगे, नए बच्चों को। अगर आज का फर्टिलिटी रेट, जो कि बताया जा रहा है, जिसे हम नहीं मानते, अगर आज के फर्टिलिटी रेट के हिसाब से, जिस मोमेंटम की हेमलता जी ने बात की, तब भी भविष्य में अगले 35 वर्षों में भारत में 90 करोड़ बच्चों का जन्म अवश्य होगा।
और हमारे देश में मोर्टेलिटी अगर देखें उसके हिसाब से लगभग 90 लाख प्रतिवर्ष की मृत्यु होती है, वो बढ़ के 1 करोड़ भी हो गई। तो आप जरा कैलकुलेशन करके खुद सोचिए कि अगले 35 वर्षों में भारत की जनसंख्या कितनी होगी, और क्या हम इस उम्मीद के साथ इस विषय को छोड़ दें, क्योंकि 75 वर्षों से तो हम देख ही रहे हैं, क्या हम इस उम्मीद के साथ इस विषय को छोड़ दें कि हां भविष्य में कोई ज्यादा बच्चों को पैदा नहीं करेगा। नहीं, और इसकी इसकी तो कोशिशें भी हुई मनु जी ना कई, मतलब जैसे आप शुरुआत में बता रहे थे कि अटल जी के साथ जो कमीशन, मतलब वेंकट चलैया कमीशन शायद था वो, उन्होंने संस्तुति दी थी कि 47 से इंट्रोड्यूस किया जाए, और मैं अभी डेटा देख रहा था जब सौम्या जी बोल रही थी, तो जो 45 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए तो उसमें मेरे ख्याल से 13 या 14 कांग्रेस के ही सांसद थे। फिर जब यूपीए की सरकार थी 2010 में तो गुलाम नबी आजाद शायद थे उस समय परिवार कल्याण मंत्री, तो उन्होंने भी इसको लेकर एक बहस छेड़ी थी कि जनसंख्या को रेगुलेशन के खांचे में लाना चाहिए। आप लेकिन सर एक 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 बड़ा इंटरफेरेंस यहाँ पे पूरी बहस में एक बड़ा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वो इंटरफेरेंस ये है कि हमारा जनसंख्या का जो डेटा है वो डेटा ही गलत है। मतलब मैं इस पूरी बहस को ऐसे समझू कि डेटा कहीं ना कहीं बहुत सारे एक एक समूह को छोड़ दे रहा है गिनने से शायद। देखिए तो मैं आपकी बात बीच में रोकते हुए एक बात कहना चाहूंगा, डेटा गलत नहीं है, डेटा गवर्नमेंट के अलग अलग डेटा मिसमैच्ड हैं। पहली बार शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से यह प्रपोज भी किया गया था कि इस देश में डिजिटल सेंसस होना चाहिए, और इस बार पहली बार हमारे देश में डिजिटल सेंसस हो रहा है, और शायद जिस तरीके से वो प्लान आउट हो रहा है भविष्य में भारत को किसी भी तरह के सर्वे या सेंसस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके ऊपर भारतीय करदाताओं का हजारों करोड़ रुपया हर 10 वर्षों में खर्च किया जाता है। ठीक है, तो मनु जी देश की इस समय जनसंख्या वृद्धि जो आप बता रहे हैं कितनी होनी चाहिए साल भर में, मतलब मोटी भाषा में कहूं तो कितने बच्चे हर साल पैदा होने चाहिए देश में, मतलब अगर हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो। देखिए आइडियल सिचुएशन हमेशा रिप्लेसमेंट लेवल की होती है। आइडियल सिचुएशन होती है कि अगर एक कपल है, एक मेल फीमेल, तो वो अपनी जनसंख्या को रिप्लेस करे, मतलब वो दो ही बच्चों को जन्म दे, जितना संसाधन उनके लिए है उतना संसाधन वो अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाए। तो आइडियल सिचुएशन में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर होनी चाहिए, इसीलिए वो फर्टिलिटी रेट 2.1 की बात होती है कि अगर 2.1 है तो वो जनसंख्या स्थिरीकरण की तरफ है कि जनसंख्या हमारी पॉपुलेशन स्थिर रहेगी। हाँ, मतलब मैं दरअसल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो इकोलॉजी में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि जनसंख्या के जो नियम है, जनसंख्या मापने के जो नियम है वो किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करते हैं। तो लेकिन जनसंख्या जो स्थिर जनसंख्या की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे कुछ मॉडल हैं मनु जी जो दुनिया भर के कुछ देश अडेप्ट कर चुके हैं जी कि उनकी जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है, मतलब उसमें एक एक्सेलरेशन नहीं है, वो रिप्लेसमेंट लेवल पे आ चुकी है जनसंख्या, क्या ऐसे अपने पास एग्जांपल्स हैं कुछ अगर ऐसे एग्जांपल्स हो जिनको हम जिन पे हम थोड़ी बातचीत कर सकें सर। देखिए सबसे प्रमुख एग्जांपल मैं देता हूं जिस देश से हमारी बार बार जनसंख्या को लेकर तुलना की जाती है, चाइना। तो चीन में जब वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आई गई तो वो वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी एक टारगेटेड पॉपुलेशन पॉलिसी थी जो कि अगले 35 वर्षों का टारगेट था उनका, कि अगले 35 वर्षों में हमें 40 करोड़ न्यू बर्थ्स को कंट्रोल करना है जिससे कि हमारा फर्टिलिटी रेट डाउन जाए, जिस मोमेंटम की वजह से जिसकी अभी हम बात कर रहे थे उसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन अगर वो 2 भी रखते तब भी ज्यादा बढ़ती। तो उन्होंने उस चीज को जल्दी अचीव करने के लिए वो वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आए। वो 35 वर्षों का टारगेट उन्होंने 38 वर्षों में पूरा किया, 40 करोड़ बर्ड्स को कंट्रोल किया, और उसके बाद उन्होंने उसमें रिलैक्सेशन दिया, वो टू चाइल्ड
अलाउ कर दिए उन्होंने। अब अपने रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए, इसी रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहीं कहीं पे 3 child भी अलाउ किए हैं। तो उनका प्रयास उस रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन करने का। तो हमें भी सबसे पहली चीज यही करनी चाहिए कि हमारी पहली चीज तो चाइना से हमारी तुलना होती है, चाइना रिसोर्सेस के मामले में, एरिया के मामले में हमसे 3 गुना से ज्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी उनसे 3 गुना ज्यादा है। तो चाइना के मुकाबले तो हमारी जनसंख्या आज की डेट में जो लगभग 150 करोड़ मानी जाती है, या सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 142-143 करोड़ के आसपास, तो हमारी जनसंख्या तो उससे 1/3 होनी चाहिए थी। तो क्या हम आगे नहीं है, ज्यादा जनसंख्या नहीं है हमारी? तो इस चीज को देखने के लिए बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग, भारत सरकार इस पर विचार करे। इस पर विचार करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस देश की 50% आबादी महिलाओं की है। ग्राउंड लेवल पे हमने भी बहुत काम किया है, हमने भी ऐसी महिलाओं से बातचीत करी है जिनके 5 या उनसे ज्यादा बच्चे थे। जी, कोई भी महिला आज तक दूर आदिवासी क्षेत्रों की, झारखंड छत्तीसगढ़ की महिला ने भी, किसी ने यह नहीं कहा, मेरे जितने भी को पैनलिस्ट हैं सौभाग्य से 3 महिलाएं ही हैं, किसी ने भी आज तक यह नहीं कहा कि हम ज्यादा बच्चों को जन्म देना चाहते हैं। उन्हें ज्यादा बच्चों को जन्म देना पड़ता है सिर्फ जो हमारी कुरीतियां हैं, बेटा ही चाहिए, जो हमारी कुरीतियां हैं सास के दबाव में, पति के दबाव में, ननद के दबाव में कि हमें ज्यादा बच्चे करने हैं। तो रिप्रोडक्टिव राइट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं उस महिला की, उसका तो शोषण हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। और उसे असली रिप्रोडक्टिव राइट्स कब मिलेंगे? जब वो अपनी सास से, अपने पति से ये कह सके कि मुझे ये मना करने का अधिकार दिया है भारतीय संविधान ने, भारतीय सरकार ने, मैं ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं दूंगी। फाइनल कमेंट इस पे आपका, कि बात हो रही है कि इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, जो सूचनाएं पहुंच नहीं रही हैं, भाषा में नहीं पहुंच रही, जहां पे मैंने एक बात उठाई कि लोग ये कहते हैं कि सर टीवी पे, पहले ये था कि टीवी पे एड्स आते थे गर्भ निरोधक गोलियों के रोजाना ली जाने वाली, और दूसरे कंट्रासेप्टिव मेथड्स के ऐड आते थे, वो सारे बंद हो गए, वो सारी चीजें अब नहीं दिखती हैं। तो इस तरह की बहस हो रही है और उसमें अब कानून आ रहा है, तो एक तो दशकों से प्रयास चल रहे थे मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इसको लेके कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के दशकों से प्रयास चल रहे थे, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स बताने के लिए दशकों से प्रयास चल रहे थे, बीच में ये बवाल होता है कि सर ये सब नहीं आता है, अब कानून आ रहा है, कहां सर गड़बड़ाई है गाड़ी? देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भारतीय संविधान में परिवार नियोजन नाम का कोई शब्द नहीं था। फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुआ 1974 में। 1974 से लेकर और आज तक भारत सरकार ने इसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे, जिसकी बात कर रहे हैं, टैक्सपेयर्स का 3 लाख करोड़ रुपया लगभग खर्च किया है, जिसका रियल टाइम वैल्यू अगर हम देखें तो वो 30 लाख करोड़ से भी अधिक है। मतलब भारतीय सरकार का 1 साल का रेवेन्यू जनरेशन, जो कि अभी लेटेस्ट डेटा आया है 27 लाख करोड़, उससे भी ज्यादा पैसा हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे खर्च कर चुके हैं। फिर भी हम कहते हैं, बिल्कुल सही मेरे को पैनलिस्ट ने बात उठाई कि सुविधाएं, जानकारी नहीं पहुंच पा रही। मेरा कहना यही है सरकार से कि जब हम हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचा सकते हैं, जब हम हर घर में जल पहुंचा सकते हैं, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा सकते हैं, तो ये सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचा सकते? और जिन रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करी मेरी बहन ने, तो हम रिप्रोडक्टिव राइट्स की तो बहुत चिंता करते हैं, हेमलता कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम रिप्रोडक्टिव राइट्स की तो बहुत चिंता करते हैं, लेकिन क्या जिस बच्चे को हम जन्म देने जा रहे हैं उस बच्चे के ह्यूमन राइट्स की कोई चिंता करता है? कि आप उसे कैसा समाज में लेकर आ रहे हैं, आप उसे कैसा लाइफ देंगे, जब आप उसकी परवरिश नहीं कर सकते, आप उसे नंगा भूखा बचपन देंगे, तो उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात कौन करेगा? जब आप समर्थ हो जाइए, हम नहीं कह रहे कि कोई कोरेसिव मेथड यूज हो, हमारी पॉलिसी में स्पष्ट है
कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है इस देश की, वो एज वाइज की बात नहीं कर रहा हूं, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है इस देश की, उस डिपेंडेंट पॉपुलेशन को कुछ इंसेंटिव्स जरूर मिलने चाहिए जो कि ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, उनके दो तक बच्चे, बहुत सारे नियम हैं, जैसे भारतीय जितने भी लोग इनकम टैक्स पेयर्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, सिर्फ दो बच्चों के लिए ट्यूशन फी में एग्जेम्पशन मिलता है, जबकि राइट टू एजुकेशन है, बाकियों को नहीं मिलता। तो ऐसे नियम बनाए जाएं कि दो बच्चों तक जिनके होंगे उनको ये सुविधाएं मिलेंगी, उससे ऊपर के अगर आप बच्चे करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन उनकी परवरिश आपको खुद करनी होगी, जिम्मेदारी का एहसास कराइए उन लोगों को। हम कोई भी भारतीय करदाता जिसके इतने पैसे खर्च हुए हैं आज तक इन सारी चीजों में, इन सारी बहसों में, वो क्यों अपने, वो तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है, वो चाह रहा है कि इस देश की वो दबी कुचली आबादी जिसे ये संसाधन नहीं है, जिसे इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उन्हें अपलिफ्ट करा जाए। इतने सालों से प्रयास हो रहे हैं लेकिन वो अपलिफ्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अब सर यहीं पे, लेकिन मनु जी, लेकिन यहीं पे ये बात आती है कि मेन स्ट्रीम में लाया जाए, अपलिफ्ट में अपलिफ्ट किया जाए, लेकिन फिर वो बहस एक होती है कि सर 2011 वाला जातिगत जनगणना वाला आंकड़ा भी जरा सार्वजनिक कर देते, वहां पे मामला अटक जाता है सर, वहीं पे मतलब इस तरह की ये भी बहस तो होती है ना कि यार ये तबका छूट रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, तो ये भी कर लिया जाए, जो एक जनगणना का एक डेटा पब्लिक का पैसा खर्च करके जुटाया गया था उसको भी लाया जाए। हालांकि बहस काफी लंबी है, मतलब हम लोग इसमें लेयर्स के लेयर्स जोड़ सकते हैं। मुझे इस पे ये कहना है कि जो बातें हैं, देश को जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है, ये सभी लोग महसूस करते हैं। देश को कई सारे संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या की जरूरत है, कानून की जरूरत है कि नहीं है, इस पे ही बहस होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना कानून के मामला जम रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कानून जरूरी है, क्योंकि सैंपल में सर्वे किया गया है, जो टेक्निकली गलत बात नहीं है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन टेक्निकली वो गलत बात नहीं, क्योंकि सैंपल पे ही सर्वे किया गया है, एक बड़े डेटा सेट को लेकर सर्वे किया गया, लेकिन पूरी पॉपुलेशन को नहीं किया गया, हो सकता है। तो जनसंख्या नियंत्रण पे बातें होती हैं तो एग्री करते हैं कि रिसोर्सेज के हिसाब से जनसंख्या होनी चाहिए, उसका नियंत्रण और उसका नियमन जरूरी है, उस पर बातचीत भी हो, उसको राजनीतिक खांचे से लेकिन बाहर रखा जाए।